सुंदर नगर गांव में लोग बहुत ही दयालु और नेक दिल के थे। वहाँ के लोगों की एक बात खास थी कि अगर वो कभी कोई गलती करते तो उसे छिपाने के बजाय सुधारने में ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। वहाँ के लोग आश्रम पर जाके ज्ञान लेते और अपने गुरु और बड़े जनों का बहुत इज्जत किया करते थे। उसी गांव में एक रामनंद नाम का आदमी रहा करता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। रामनंद सुबह जाता जंगल में लकड़ियाँ काटने और उनमें से बची हुई लकड़ियों की टोकरियाँ बनाता और वापस लौटते ही अपने छोटे से समोसे के दुकान में लग जाया करता था, जिस पर उसकी पत्नी और बेटी भी मदद करती थी। उसके जैसे ही समझदार उसकी पत्नी और बेटी भी थी। रामनंद एक दिन समोसा तलते तलते अपनी पत्नी से कहता, आज लकड़ियाँ ज़्यादा लाया हूँ, मैं जा रहा हूँ डाली बनाने। उसकी पत्नी उसे वापस घर भेज देती। जब वापस वो घर आता और डाली बनाना शुरू कर देता तो वो सोच रहा था कि आज तो बहुत सारी डालियाँ बन जाएंगी। तभी उसके सामने एक छोटी सी टुन्नी चिड़िया आती है और रोते हुए उससे मदद मांगती। टुन्नी चिड़िया से वो कहता, अरे नन्ही सी चिड़िया, तुम्हें क्या चाहिए? कोई दाना चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो टुन्नी रोते हुए कहती, हमारी ज़िंदगी बख्श दो, हमें जीवन दान दे दो, हमें मत मारो, तड़पाओ मत, हमें छोड़ दो। ये सब बात रामनंद समझ नहीं पाता। तभी वो उस चिड़िया से पूछता, अरे हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो? हमने कुछ किया थोड़ी है तुम्हारे साथ। वो चिड़िया रोती और बिलखती हुई कहती, जिस जंगल में हम लोग रहते हैं उस जंगल को तुम लोग काट के धीरे धीरे खुला मैदान बनाते जा रहे हो। लकड़ियाँ काट के तुम लोग बेच के अपना जीवन चला लेते, पर ये एक बार भी नहीं सोचते कि हम पंछी कहाँ रहेंगे। और धीरे धीरे करके जब सारी लकड़ियाँ कट जाएगी और पेड़ पौधे कट जाएंगे तो तुम लोगों का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। रामनंद सदमे में चला जाता। उसकी पत्नी आती तो वो एकदम चुपचाप से वहीं बैठा हुआ था। उसकी पत्नी उससे पूछती, क्या हुआ जी, आज आप दुकान से जल्दी आए थे टोकरियाँ बनाने और आप उदास क्यों बैठे हैं? कोई बड़ी समस्या आन पड़ी है क्या? आप मुझे बताओ। रामनंद दबे आवाज में कहता, भाग्यवान मैं क्या बताऊँ, एक छोटी सी टुन्नी चिड़िया ने मेरा आँख खोल दिया। उसकी पत्नी उसकी बातों को गौर से सुन रही थी, वो समझ नहीं पाती। तभी वो पूछती, आपके साथ ऐसा क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हो? मैं हर दुख सुख में आपके साथ हूँ, आप ऐसे शांत मत बैठे। मुझे पता है आप हर छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाया करते हैं, बताओ क्या बात हो गई? तभी रामनंद उदास मन से अपनी पत्नी से कहता कि हम लोग एक काम करके अपना गुजर बसर कर लेते हैं, ज़्यादा काम हमें करने की ज़रूरत नहीं। हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ही इतना मेहनत करते हैं और पेड़ ना रहा तो वो कैसे जिएंगे? तभी उसका मित्र लकड़ी काटने के लिए उसे ले जाने के लिए आता। रामू से वो कहता, मैं नहीं जाऊंगा। रामू हैरान हो जाता और कहता, अरे रामनंद तू तो मेहनत करने में सबसे आगे रहता, क्यों नहीं जाएगा तू? रामनंद कहता, आज एक नन्ही सी टुन्नी चिड़िया आई थी और वो मुझसे मदद मांग रही थी कि हम लोग उसके जंगल की लकड़ियाँ ना काटें, और वो सही भी कह रही थी। उनके रहने का जगह सिर्फ वही है पेड़ पौधे, और धीरे धीरे करके जब हम लकड़ियाँ काट देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को यहाँ धरती पर रहने में बहुत मुश्किल होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। रामू को बात समझ आती और रामू कहता, हाँ तू सही कह रहा। रामनंद भी समझाता कि आखिर हम जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं आगे चल के उन्हें ही दिक्कत हो तो क्या फ़ायदा।
दोनों मिलकर अपना छोटा सा समोसे का दुकान को एक बड़े से ढाबे में बदल देते। उस ढाबे पे हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगने लगती और कम भाव में वो लोग सबको भोजन कराते, और जो पैसे के बिना उनके दुकान पे आता उनको वो मुफ्त का भोजन जरूर करा दिया करते थे। ऐसे ही रामनंद और रामू की पत्नियाँ भी उस दुकान पे मदद कराती और सब मिलके अपने ढाबे को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। और अब से वो कभी लकड़ियाँ नहीं काटते, उनसे जितना बन पाता उतना वो बेजुबान जानवरों की मदद करते हैं और अपने पास के लोगों की भी मदद कर दिया करते थे। उनके गांव में धीरे धीरे करके अब कोई भी लकड़ियाँ काटना नहीं जाता और गरीब नहीं रह जाता। सब लोग छोटे छोटे काम करते हैं और मेहनत के काम करके पैसे कमाने लगते हैं। रामनंद और रामू की तो आंखें खुल जाती। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग भी बेजुबान जानवर की मदद कर सकें तो ज़रूर करें। ऐसी और भी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।